भारत के पंजाब राज्य का एक शहर अमृतसर। पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र माने जाने वाला शहर अमृतसर। पवित्र इसलिए क्योंकि सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेंपल अमृतसर में ही है। कहा जाता है भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अमृतसर के इस स्वर्ण मंदिर को ही देखने आते हैं। तो चलिए इस वीडियो के जरिए गोल्डन टेंपल और अमृतसर के बारे में थोड़े जानते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और बेल बटन ज़रूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गोल्डन टेम्पल अमृतसर का सबसे बड़ा आकर्षण है। इसका पूरा नाम हरमिंदर साहिब है लेकिन ये स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। स्वर्ण मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो सीढ़ियों के साथ साथ स्वर्ण मंदिर से जुड़ी सारी घटनाएं और इसका इतिहास लिखा हुआ है। स्वर्ण मंदिर बहुत ही खूबसूरत जगह है और रात की रोशनी में तो और भी सुंदर लगता है। सिखों के लिए तो ये मंदिर महत्वपूर्ण है ही, लेकिन सिखों के अलावा भी यहाँ बहुत से श्रद्धालु आते हैं। हरमिंदर साहिब परिसर में दो बड़े और कई छोटे छोटे तीर्थ स्थल हैं। ये सारे तीर्थ स्थल जलाशय के चारों तरफ फैले हुए हैं। पूरा स्वर्ण मंदिर सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ है और जो इसकी दीवारें हैं उन पर सोने की पत्तियों से नक्काशी की गई है। हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में पूरा दिन गुरुबाणी की स्वर लहरियाँ गूंजती रहती हैं। गुरुद्वारे में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था होती है। यहाँ लंगर का पूरा अरेंजमेंट है। यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था गुरुद्वारे में आने वाले चढ़ावे से ही की जाती है। और भोजन ही नहीं, यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु होते हैं उनके ठहरने की भी पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर 228 कमरे और 18 बड़े हॉल हैं। रात गुजारने के लिए गद्दे और चादरें मिल जाती हैं। एक व्यक्ति 3 दिन तक यहाँ ठहरने की व्यवस्था कर सकता है। गुरुद्वारे के पास बाबा अटल और गुरुद्वारा माता कोला है। इन दोनों गुरुद्वारों के पास पैदल ही पहुँचा जा सकता है। गुरुद्वारे के बिल्कुल साथ में है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड इतना भयंकर था कि उस बाग में जो कुआं था वो पूरा शवों से भर चुका था। वहाँ पर आज भी वहाँ की दीवारों पर गोलियों के निशान दिखाई देते हैं। शाम के टाइम जलियांवाला बाग में लाइट शो होता है जो वहाँ की पूरी हिस्ट्री को दर्शाता है। जलियांवाला बाग के लाइट शो की वीडियो भी हमने बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने, तो आप वहाँ से जलियांवाला बाग के लाइट शो की वीडियो देख सकते हैं। अमृतसर में आप दुर्गाना मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। दुर्गाना मंदिर बिल्कुल गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब यानी कि गोल्डन टेंपल की तरह बनाया गया है। कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर हनुमान जी अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को लवकुश से वापस लेने आए थे और लवकुश ने हनुमान जी को यहाँ पर परास्त कर दिया था। इसके अलावा बाघा बॉर्डर जा सकते हैं। बाघा बॉर्डर एक ऐसी जगह है जो अमृतसर और लाहौर के बीच में स्थित है। बाघा बॉर्डर पर जो परेड होती है उसे देखने के लिए बहुत टूरिस्ट आते हैं और परेड से पहले एक प्रोग्राम जो होता है वो तो बहुत अच्छा होता है, देखकर दिल खुश हो जाता है। तो जब भी अमृतसर जाएं तो बाघा बॉर्डर ज़रूर होकर आएं। अमृतसर से आप गुरुद्वारा करतारपुर साहिब भी जा सकते हैं। वहाँ जाने के लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है। पासपोर्ट चेक करने के बाद आप डेरा बाबा नानक कॉरिडोर से होते हुए गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन करके वापस आ सकते हैं। गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की वीडियो भी हमने बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप वहाँ से देख सकते हैं कि आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं ना, उनके लिए तो अमृतसर पंजाब का स्वर्ग माना जाता है। यहाँ पर चिकन, मक्के की रोटी, सरसों का साग, लस्सी बहुत फेमस है। जो खाने पीने के शौकीन हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है। अमृतसर का बाज़ार भी बहुत फेमस है क्योंकि जिन लड़कियों को पंजाबी सूट और जूती का शौक़ है ना,
उनके लिए तो बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर बहुत वैरायटीज़ मिलेंगी, और कपड़ों के अलावा यहाँ के पापड़, अमृतसरी पापड़ बहुत फेमस है। अमृतसर पहुँचना बहुत इजी है, कनेक्टिविटी अच्छी है, बाय फ्लाइट जा सकते हैं, बाय रोड और बाय ट्रेन, हर तरह की कनेक्टिविटी अच्छे से बनी हुई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।